विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी चिरपरिचित विद्वजन, मेरे समक्ष आधान मंडप में भी बैठे हुए मेरे अनेक सुधी मित्र जिन्होंने कालिदास साहित्य पर जीवन भर कार्य किया है, गवेषणा की दृष्टि से, साहित्यिक सौंदर्य के मूल्यांकन की दृष्टि से और भी नाना प्रकार की दृष्टियों को अपना करके संपादन इत्यादि के माध्यम से बड़ा कार्य किया है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपना वक्तव्य मैं कल बहुत विस्तार से व्यक्त कर चुका था, लेकिन जो बातें कालिदास के बारे में मैं नहीं कह सका था वो मैं आज फिर आपके सामने कहना चाहता हूं। मित्रों, किसी कवि के जीवन का सत्य समीक्षक बनकर के कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। कवि का मर्म कोई कवि ही बता सकता है जिसकी वैसी ही साधना हो, वैसी ही कविता लिखता हो, वैसी ही अपनी कविता में अपनी आत्मा व्यक्ति करता हो, उसको सच्चाई बड़ी जल्दी समझ में आती है कि यह तथ्य लिखते समय कालिदास के मन में क्या रहा होगा, ऐसा उन्होंने क्यों लिखा। जब अभिज्ञान शाकुंतल के एक संस्करण में विक्रमादित्य का नाम आता है, विक्रम सभा का नाम आता है, वह प्रति आज भी जो है कलकत्ता के लाइब्रेरी में विद्यमान है, हमने और प्रोफेसर राधा वल्लभ जी ने अपनी आंखों से देखा है, जिसमें विक्रम सभा का बाकायदे उल्लेख किया गया है। लेकिन आगे चल करके अंग्रेजों से प्रभावित हमारे भारतीय परंपरा के भी जितने संपादक थे उन्होंने विक्रम शब्द वहां से हटा दिया और कालिदास को अकेले छोड़ दिया एक द्वैध में कि वो विक्रमादित्य कौन थे, चौथी शती के या ईसा पूर्व प्रथम शती के। लेकिन उस संस्करण में बाकायदे ये उल्लेख किया गया है विक्रमादित्य के विषय में कि वो किस प्रकार के नरेश थे, उनकी सभा में जो है कालिदास का कितना सम्मान था और आज ये मंचन जो है उनकी सभा में होने जा रहा है। तो जब कालिदास पुरुरवा के लिए विक्रम शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक बहुत बड़ा सच बताते हैं वो कि मैं, मेरा अन्नदाता, मेरा संरक्षक सम्राट विक्रमादित्य रहा है। उसी वचन पर जब मैं पढ़ता हूं अभिज्ञान शाकुंतल और मुझे एक वाक्य दिखाई पड़ता है कि वत्से सुशिष्य पद्धता विद्या इव अशोचनीया से संवृत्ता, बेटी आज जैसे अच्छे शिष्य को प्रदान की गई विद्या जो है गुरु के लिए, देशी के लिए प्रसन्नता का विषय बन जाती है, अशोचनीय बन जाती है, ऐसे ही आज मैं भी एक पिता के दायित्व से मुक्त हूं। तो मुझे लगता है कि जब विक्रम शब्द के प्रयोग से विक्रमादित्य संरक्षक हो सकते हैं कालिदास के, तो विद्या शब्द का उल्लेख करने से कालिदास संभवतः अपने दाम्पत्य का भी संकेत कर रहे हैं कि ये अशोचनीय हो गई विद्या, यानी अशोचनीय हो गई विद्योत्तमा, अशोचनीय हो गई विद्योत्तमा कालिदास जैसे वर को प्राप्त करके। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक संकेत कवि जो है अपनी दाम्पत्य जीवन के बारे में कर सकता है, ये मेरी अपनी एक उत्प्रेक्षा है, इस पर भी विचार कीजिएगा। कालिदास के विषय में मित्रों, कल मैंने उनकी ऐतिहासिकता के बारे में बड़ी बातें की थी,
कि वह ऐसे दिग्विजयी नरेश के महाकवि थे जिसने भारत की सीमाओं से बाहर निकल करके संपूर्ण ईरान पर अपनी विजय प्राप्त की थी सम्राट विक्रमादित्य ने। ईरान से भी आगे निकल करके उन्होंने सारे पूरे के पूरे अरब कंट्रीज पर विजय प्राप्त किया। मक्का में उन्होंने शिवालय का निर्माण किया, वहां पर अच्छे सम्मेलन होते थे, वहां पर सम्राट विक्रमादित्य का नागरिक अभिनंदन किया गया। उस अभिनंदन के बारे में भी मैंने चर्चा की थी कि वह सौभाग्य से अभिनंदन पत्र उपलब्ध है, उसका अंग्रेजी में अन्य भाषाओं में ट्रांसलेशन है और आज वह तुर्किस्तान के इस्तांबुल नगर के संग्रहालय में वो सुरक्षित रखा हुआ है खलीफा उस्मान की कृपा से। वो सुवर्ण पत्र पर लिखा हुआ जो उनका जो अभिनंदन पत्र है वह हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। सम्राट विक्रमादित्य ने बलख और बुखारा पर भी विजय प्राप्त की, जिस वाहली की चर्चा महाकवि कालिदास रघु दिग्विजय में करते हैं वो काल्पनिक नहीं है, वो उनकी आंखों का देखा हुआ है, क्योंकि उस दिग्विजय में मेरा पूरा विश्वास है कि वह अपने सम्राट के साथ साथ रहे होंगे। उसके और भी अनेक साधन प्रमाण मिल जाते हैं, सबसे बड़ा प्रमाण जो है त्रिवेणी संगम का गंगा और यमुना का वर्णन है। कोई भी व्यक्ति यदि आकाश में नहीं स्थिर है तो वो वर्णन कभी नहीं कर सकता। दोनों नदियों का रंग कैसे एक दूसरे से मिल रहा है, कैसे जो है गंगा यमुना में घुसी है और यमुना जो है गंगा में कैसे घुसी है, ये चित्रण जब तक कोई अपनी खुली आंखों से किसी ऊंचाई पर जो है किसी ऊंचे टेकड़ी पर बैठ करके जब तक नहीं देखेगा वह उसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो कालिदास निश्चित रूप से सम्राट जो है विक्रमादित्य की दिग्विजय में उनके साथ रहे और उन सारे स्थानों को उन्होंने देखा है जिसको उन्होंने रघु की दिग्विजय के माध्यम से अजर और अमर बना दिया। सम्राट विक्रमादित्य ईरान से भी आगे निकले और उनका अंतिम युद्ध जो है रोमन सम्राट जूलियस सीजर के साथ हुआ। और ऐसा कहते हैं आज जो नया इतिहास विक्रमादित्य का सामने आया है उसमें ये बताया गया है बाकायदे प्रामाणिक ढंग से कि अंत में जूलियस सीजर की किसी सामंत की कन्या से उनका विवाह हुआ और दोनों में संधि हो गई और इसके बाद वो वहां से लौट आए। आज भी ईरान के सामी नगर में जो विक्रमादित्य को बहुत पसंद था और वहां पर वो वर्षों बाद रहे और एक इतिहासकार ने तो यहां तक कहने का साहस किया है कि सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु भी ईरान में हुई, उसी सामी नगर में हुई, लेकिन सामी नगर के संग्रहालय में